हेलो फ्रेंड, सिंपल वीडियोस इन कुकिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बिल्कुल ढाबे जैसी दम आलू की सब्जी बनाना बताऊंगी, और इस सब्जी में आपको बनाने में डबल मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने 6 से 7 आलू ले लिए हैं। इन आलू को मैंने बॉईल भी नहीं किया है, ना ही हम इन आलू को फ्राई करेंगे। ऐसे ही हम दम आलू की सब्जी बनाएंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 टमाटर, 2 हरी मिर्च और 1 छोटा अदरक का टुकड़ा लिया है। इनको सबको हम मिक्सी में पीस के पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने 3 प्याज लिए हैं, इसको हम बारीक काट कर तैयार करेंगे, इसका हम पेस्ट नहीं बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सब्जी को बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पे आलू को छील कर तैयार कर लिया है, पानी में डिप करके रखा है ताकि जो हमारे आलू है वो काले ना पड़े। अब हम आलू को इस तरह से कट कर लेंगे बीच में से, ये देखिए। अब हम आलू के अंदर इस तरह से चाकू से छेद कर लेंगे, चाकू से या फिर आप फोक से कर सकते हैं। आप इसमें 7 से 10 करीब छेद कर सकते हैं। इससे जो हमारे मसाले होंगे वो आलू के अंदर तक चले जाएंगे और जो आलू का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। इसी तरह से हम सभी आलूओं में काट के और छेद करके और तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे आलूओं को कट करके और इसके अंदर चाकू से छेद करके तैयार कर लिया है। और यहाँ पे मैंने प्याज को भी बारीक काट के तैयार कर लिया है। और जो हमारे टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक थी उसका भी मैंने इस तरह से पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। बस अब हम चलते हैं हमारी गैस की तरफ, दम आलू की बहुत ही टेस्टी सी सब्जी को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस ऑन करके और कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच के करीब तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था, और जो तेल है वो हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जीरा 1/2 छोटी चम्मच के करीब, और जीरे को हम हल्का सा चटकने देंगे। जीरा हमारा अच्छे से चटक चुका है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये 2 तेज पत्ते। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने ये बारीक कटे हुए प्याज लिए थे, वो डालेंगे। प्याज को डालने के बाद हम प्याज को 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे ताकि जो प्याज है उसका कच्चापन अच्छे से निकल जाए और ये हल्के से गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाए। तब तक हम इसको पका कर तैयार कर लेंगे। प्याज हमारा अच्छे से भून गया है, अब हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। तो मसालों में हम सबसे पहले डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, या स्वाद के अनुसार आप लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नमक, या फिर स्वाद के अनुसार नमक ले लें। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच के करीब हल्दी का पाउडर, 2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे प्याज के साथ में। गैस का जो फ्लेम है उसको हमें मीडियम रखना है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं। अब हम इस मसालों को भी अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से पक चुके हैं और मसाले ने अच्छे से तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे ढक के 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। जब तक जो हमारा मसाला है वो अच्छे से तेल छोड़ देगा तब तक हम इसको पका लेंगे। जितना हमारा मसाला अच्छे से पकेगा उतना ही जो हमारी सब्जी है वो टेस्टी बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा मसाला है वो देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, और सारा जो तेल है वो अलग छोड़ दिया है मसाले ने, ये देखिए। अब हम इसके अंदर जो हमने आलू काट के तैयार किए थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे सारे आलू। अब आलूओं को हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारे आलू को मैंने मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है।
कितने बढ़िया हमारे आलू लग रहे हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1.5 गिलास पानी। अब हम इसको हाई फ्लेम पे अच्छा सा उबाल आने देंगे, मिक्स कर देंगे पानी के साथ भी अच्छे से आलूओं को। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सब्जी है उसमें पानी डालने के बाद अच्छे से उबाल आ चुका है। अब जो हम गैस का फ्लेम है उसको हम मीडियम कर देंगे और सब्जी को हम ढक के, और जब तक जो हमारे आलू है वो सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक हम इसको पका लेंगे। मतलब इसको हमको लगेंगे 10-12 मिनट हमें इसको पकाने में लग जाएंगे मीडियम फ्लेम पे। इस तरह से ढक के पकाएंगे, तब बीच में आप इसको चेक कर ले, और अगर आपको पानी अगर इसमें कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सब्जी है उसको पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए जो हमारी सब्जी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। आलू भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और कितनी बढ़िया हमारी सब्जी लग रही है ये देखिए। और जो आलू है वो मैं आपको दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए जो हमारे आलू है वो अच्छे से टूट गए हैं। ये देखिए आलू अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, 1/4 छोटा चम्मच के करीब हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से जो दम आलू की सब्जी है उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है और वो एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। अब हम इसको मिक्स कर देंगे और एक अच्छा कलर भी आ जाता है कसूरी मेथी डालने से। आप जो भी ग्रेवी की सब्जी बनाए उसमें कसूरी मेथी जरूर डालें। अब हम इसको ढक के और लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो गरम मसाला हमने डाला है, कसूरी मेथी डाली है, उसका फ्लेवर अच्छे से सब्जी के अंदर आ जाए। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और जो हमारी सब्जी है वो भी देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। और मैंने कहा था ना आपको कसूरी मेथी से इसका कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा और सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी सब्जी लग रही है और जो आलू है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसको गैस को ऑफ कर देंगे और सब्जी को मैं आपको सर्व करके बताती हूँ कितनी बढ़िया हमारी सब्जी लग रही है। ये देखिए ये सब्जी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। और इसके लिए मैंने चावल बनाए हैं। आप इस सब्जी को किसके साथ खाना पसंद करते हैं आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, रेसिपी को शेयर करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं अब एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। घर का खाना बना के खाएं और खुश रहें। थैंक यू।